हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जॉनी नकुम और पुंगा न्यूज से। आज विनोद जी से उनके बकरों के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। आइए विनोद जी, आप अपने बकरों को क्या खिलाते हैं? कौन से, काले वाले को सफेद वाले को? सफेद वाले को। मैं उसको बाजरा खिलाता हूं। और काले वाले को? उसको भी बाजरा ही खिलाता हूं। अच्छा, और आप मेरी बात सुनो एक, जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते? तो साहब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है ये कैसे? बॉस, शर्ट तो अच्छी लग रही है। छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ तो शर्ट ही तो अच्छी लग रही है, मुंह तो अभी कुत्ते जैसा है। भाई, ये कुत्तों की जिंदगी कितने सालों की होती है? 12-13 साल। तू तो 20 साल का हो गया। बात तो सही है। उधर किसक, तमीज से बात करिए जरा। अरे तमीज के तेल लेने। उधर किसक जाओ नहीं तो मार मार चटक गालल कर देंगे। उधर जगह पड़ी तो है, उधर बैठिए ना। उधर कहाँ बैठ जाए, उनकी गोदी में बैठ जाए कि जमीन में बैठ जाए? अरे उधर जगह हम बताए तेरे। ये टिकटॉक वालों ने बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया है मेरे को, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये इसके अंदर चार्जर ही है, और इसमें लिखा है कि मोबाइल तुम खरीद लेना। ये क्या फिर से चौंक गए? वेरी लवली। अब कहाँ जा रही है? देवर जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरा फादर साहब करेंगे डांस। भाई इधर, भाई का ब्रेकअप हो गया। क्यों भाई? मैंने ना उसे एक शायरी बोल दिया था। शायरी रे? अर्ज किया है, ओ मेरी जाने, ओ मेरी दिल पर साली ठूस ठूस के खा ली अब बिलवा। ये मुझे छेड़ रहा था। ओ भाई छेड़ू लाल, क्यों मेरी बेटी को छेड़ रहा है? अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा ना तो मैंने तेरे अंदर इंजेक्शन डाल देना, फिर मैंने उसको तोड़ देना, जैसे जज तोड़ते ना अपना पेन जजमेंट के बाद। जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए, पर जींस को थोड़ा नीचे पहनकर अपनी चड्डी किसी को नहीं दिखाई। आपका वो गाना है ना वरुण जी? कौन सा गाना? बेशर्मी की हाइट वाला। बेशर्मी की हाइट? आपको मालूम नहीं है ना बेशर्मी की हाइट कितनी है? हम बता दे कितनी मेजर की हो आप? 5.5 फुट। आपको वेट भी बता दे, कितना वेट है तेरा? 190। 190 किलो वेट। मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। एक काम कर, तू मुझे खा ले। मम्मी प्यास लगी, कुछ पीने को दो ना। एक काम कर, मेरा खून पी ले। मम्मी थोड़े पैसे देना, बाहर जाना है। एक काम कर, घर के पीछे पेड़ लगा, उसमें से तोड़ ले। हम जा रही फरजाना के घर पड़े ला। फरजाना से मिले जा रही के तू की दीवाना से मिले जा रही? बाप के पता नहीं चलो, जिस दिन पता चल गए तोरो काट दे तो और फरजानो काट दे तो। शर्म कर गए, फरजाना से मिले जा रही? झूठ बोले, शर्म नहीं आ रही मैं जा रही अम्मी फरजाना। भाई मैंने सुना है तूने सिगरेट पीनी छोड़ दी। हाँ भाई छोड़ तो मैंने दी है, पर कभी कभार कोई रिक्वेस्ट कर लेता है ना तो पी लेता हूँ। तेरे साथ में कौन खड़ा है ये? भाई ये इसे ही तो मैंने रखा है रिक्वेस्ट करने के लिए। नो 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 नो। जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है वो बैग यहाँ से ले जाए। अबे ओ दड़ियल, तेरे नाम का कुत्ता पालू, कितनी बार मेरे हाथ से मार खाएगा? तेरी धुलाई देख देख के पब्लिक भी बोर होने लगी है। डायलॉग बंद कर, बैग। अरे बेटा तुम कौन सा काम करते हो? आई एम डायरेक्टर ऑफ गॉड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लगता है बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जरा हिंदी में बताना तो। बकरी चलाते हैं। तो भाई साहब मेरे कुछ फॉलोवर्स तो ऐसे हैं जो फॉलो करके ऐसे भूल गए जैसे जिला सहकारी बैंक में खाता खुलवा के भूल जाऊं। हैं ना, 1 रुपया वहां उसमें डलवाना, ना हमारी प्रोफाइल चेक करना, ना वीडियो चेक करना, पर फॉलो कर लो यार। ऐसा मत करो जालिमो, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ बस ऐसा ही करूंगा जैसे तू कह रही है। नौकर हूं ना तेरा, तेरे बाप का नौकर, तेरी माँ का नौकर, तेरी बहन का नौकर, और तेरे उस नकली खसम का नौकर, तेरे सारे खानदान का नौकर। कुछ मेरे अपनों को लगता है कि मैं बहुत रुबाब से रहता हूँ, बहुत मोतबरी में रहता हूँ, बहुत एटीट्यूड है, ओ है और रहता हूँ, क्यों ना रहूं। अरे क्या रे, सदा भूख लग रही, रास्ते ही बोल रहा, भूख लग रही। अरे जो खाना है खा, अरे एक गिलास दूध दियो यार, बंडी पे जो भी है इसको दियो। इस्माइल भाई क्या भिखारी समझ रहे? आज तक कभी उन्होंने रोके कुछ बोले, खर्चा करने को पीछे हटे? तुम लोग आप फुकट का चाय, फुकट का सिगरेट। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा।
कोई कुछ ना कहेगा, मोए घर घर की पता है। अरे हमारी मान ले, ना मानू ना मानू ना मान, तुम मानो मेरे। इस भरी महफिल में हमारे जूते खो गए तो हम घर कैसे जाएंगे? वाह 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 वाह। इस भरी महफिल में हमारे जूते खो गए तो हम घर कैसे जाएंगे? आप शायरी पूरी तो सुनाओ, आपको इतने जूते मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। अरे ऐसा नहीं चलता हिंदुस्तान में, अपने देश में। अरे संस्कार संस्कृति कौनो चीज है, एकदम पूरा ऐसे दिखा दिया, बहुत गंदा लगता है, ऐसा नहीं दिखाना मांगता है। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा।